Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. Dear student, ये CSS3 का chapter 19 है जिसमें हमें downloading, processing animation को develop करनी सीखनी है. ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूशन है, सो काइंडली इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख ले. डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग एनिमेशन का मतलब है कि जब यूजर किसी डाउनलोड लिंक पे क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का मेथड ब्राउज़र के द्वारा यूजर के सामने रिप्रेजेंट होती है वो रिप्रेजेंट ना होके मेरे द्वारा एनिमेशन रिप्रेजेंट हो, और वो तब तक रिप्रेजेंटेड हो जब तक यूजर की फाइल डाउनलोड ना हो जाए. ओके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह के एनिमेशन की बात कर रहा हूँ. आप ध्यान से देखो, ये जो डाउनलोडिंग का एनिमेशन है ये यूजर के सामने डिफाइन करेगा कि आपका जो डाउनलोड है वो प्रोसेस में है. ओके, ज़रूरी नहीं कि आप इस एनिमेशन का डाउनलोडिंग के रेस्पेक्ट में ही इस्तेमाल करें, आप अपलोडिंग के रेस्पेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रीलोडिंग के रेस्पेक्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ प्रोसेसिंग के रेस्पेक्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. डिपेंड आप पे करता है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए किस तरह का एनिमेशन का उपयोग करते हैं. ओके, सो प्रॉपर्ली अचीव करते हैं कि इस एनिमेशन को आप कैसे डेवलप करोगे. सबसे पहले हमें तो यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना होगा, मींस पहले हमें राइट करनी होगी डाउनलोडिंग टेक्स्ट को, फिर हमें तीन सर्कुलर शेप्स को बनानी होगी और फिर हम उसमें एनिमेशन को प्रोवाइड करेंगे. ओके, सबसे पहले मैं H1 एलिमेंट के ज़रिए यहाँ पे राइट कर देता हूँ डाउनलोडिंग और H1 को क्लोज कर देता हूँ. ओके, सिंपली पहले रन करके चेक करूँगा कि ये किस तरह का दिख रहा है. परफेक्ट, ये कुछ ऐसा दिखा. अब मैं इसे डेकोरेट करने के लिए पहले CSS को एक्टिवेट करूँगा स्टाइल टैग की मदद से. ओके, और पहले सेलेक्ट करूँगा H1 एलिमेंट को और फॉन्ट हाइफन फैमिली प्रॉपर्टी पास करके इसका वैल्यू डिफाइन करूँगा सेंचुरी गॉथिक. ओके, उसके बाद फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की मदद से इसका साइज रख लेता हूँ 60 pixels. परफेक्ट, सिंपली टेक्स्ट हाइफन अलाइन प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूँ और वैल्यू डिफाइन कर दूंगा सेंटर, ताकि ये सेंटर में चला जाए. रिफ्रेश करके चेक करता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है. ओके, ये कुछ ऐसा दिखा. मैं काम करूँगा इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी पास करूँगा और वैल्यू डिफाइन करूँगा 0 pixel 0 pixel 5 pixel red. ओके, अगर मैं सेव करके रन करूँ तो ये कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले होगा. ओके, फॉन्ट का साइज काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं साइज कर देता हूँ 40 pixels. ओके, अब शायद फॉन्ट का साइज परफेक्ट है. अब हमें क्या बनानी है, तीन छोटे छोटे डॉट्स बनानी हैं. ओके, तो सिंपली H1 की कोडिंग जहाँ ख़त्म होगी उसके नीचे आप एक div एलिमेंट पहले लो. ओके, और इसका ID से कोई भी नाम डिफाइन कर दो, जैसे मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया पेज. ओके, अब मैं काम करता हूँ पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ CSS के अंदर. ओके, सबसे पहले पास करता हूँ विड्थ प्रॉपर्टी 200. ओके, फिर पास करता हूँ हाइट प्रॉपर्टी 40 pixels और फिर पास करता हूँ बॉर्डर 1 pixel सॉलिड रेड और फिर मार्जिन प्रॉपर्टी लगाकर इसमें वैल्यू डिफाइन करूँगा 0 auto, ताकि ये डब्बा पेज के बीच में चला जाए. जा चुका है, लेकिन आप ध्यान दो H1 से ये सटा हुआ नहीं है क्योंकि H1 में बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होते हैं. तो अगर आप चाहते हो कि H1 का पैडिंग और मार्जिन रिमूव हो जाए तो सिंपली पैडिंग प्रॉपर्टी को H1 में पास करके आप वैल्यू डिफाइन करोगे 0. 0 का मतलब है 0 pixels. अगर 0 लिख रहे हैं
तो पिक्सेल्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और फिर लगाओगे मार्जिन प्रॉपर्टी 0 पिक्सेल। तो ऐसा करने से क्या होगा, H1 में जो डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होगा वो रिमूव हो जाएगा। सिंपली मैंने सेव करके रिफ्रेश किया। ओके, अब हमें क्या करनी है, तीन डॉट्स को बनानी है। तो तीन डॉट्स आप कहाँ बनाओगे, सिंपली इस डब्बे के अंदर। इस डब्बे के अंदर मैं क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तीनों डॉट्स यहाँ पे नज़र आए, इसलिए मैंने इन तीनों डॉट्स के लिए पहले एक डब्बा बना लिया है। जब डॉट्स इसके अंदर बन जाएंगे तो मैं इस डब्बे के बॉर्डर को रिमूव कर दूंगा। ओके, तो तीन अलग अलग प्रकार के मुझे डॉट्स बनाने हैं, तो सिंपली तीनों के लिए डिव एलिमेंट सेट करके तीनों का आईडी वैल्यू मैं अलग अलग रखूँगा। ओके, पहले डॉट का वैल्यू रख देता हूँ डॉट हाइफन वन। ओके, दूसरे डॉट का वैल्यू रख देता हूँ डॉट हाइफन टू और तीसरे डॉट का वैल्यू रख देता हूँ डॉट हाइफन थ्री। ओके, अब इनको डेकोरेट करूँगा। सिंपली पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉट वन को। ओके, और सबसे पहले पास करूँगा विड्थ प्रॉपर्टी 20 पिक्सल्स, फिर हाइट प्रॉपर्टी 20 पिक्सल्स। ओके, बॉर्डर ना पास करके मैं इसमें पास कर देता हूँ बॉक्स हाइफन शैडो 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स रेड। ओके, सिंपली रन करके चेक करता हूँ ये किस तरह का दिखा। ओके, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि ये सही से आपको नज़र आए। सिंपली मैंने 30 पिक्सल्स कर दिया है, मुझे लगता है बॉर्डर इसमें देना होगा तभी ये सही आपको नज़र आएगा। तो मैंने इसमें बॉर्डर दे दिया 0.5 पिक्सल सॉलिड रेड। अब ध्यान से देखो ये कुछ इस प्रकार का नज़र आया। सिंपली मुझे इसे सर्कल में कन्वर्ट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर दूँगा 50%। तो ऑटोमेटिक ये डब्बा सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसमें फ्लो एट प्रॉपर्टी पास करके वैल्यू डिफाइन कर दूंगा लेफ्ट। इसका क्या मतलब है, मैंने इस डब्बे को लेफ्ट से बनाना शुरू किया है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, दूसरा डब्बा ठीक इसके बगल से शुरू होगा। ओके, तो दूसरा जो डब्बा होगा मेरा वो सेम तरह का होगा। तो सेम तरह का बनाने के लिए हमें क्या करनी होगी, सेम प्रॉपर्टी और वैल्यू को लागू करनी होगी। किसके लिए, डॉट हाइफन टू आईडी सेलेक्टर के लिए। ओके, सो मैंने कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसी तरह से सेम डब्बा मुझे किसके लिए बनानी है, डॉट हाइफन थ्री वाले आईडी सेलेक्टर के लिए। ओके, सो मैंने प्रॉपर्टी को कॉपी किया था, यहाँ भी मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, जो दूसरा डब्बा है उसमें मैं शैडो पास कर देता हूँ ग्रीन और बॉर्डर भी पास कर देता हूँ ग्रीन। और जो तीसरा डब्बा है उसमें भी शैडो मैं पास कर दूंगा ब्लू और बॉर्डर भी पास कर दूंगा ब्लू। सिंपली सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ किस तरह का दिखा। ओके, ये कुछ इस तरह का दिखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तीनों डब्बा थोड़ा थोड़ा अलग खिसका हुआ नज़र आए एक दूसरे से। तो सिंपली सारे डब्बे में मैं एक एक करके मार्जिन प्रॉपर्टी लगाऊंगा और ज़रूरत के अनुसार से वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 8 पिक्सल्स। ओके, तो ये फर्स्ट डब्बा में मार्जिन गया, इससे क्या होगा, पहला डब्बा चारों दिशा से 8 पिक्सल खिसकेगा, दूसरा डब्बा भी चारों दिशा से 8 पिक्सल खिसकेगा और तीसरा डब्बा भी चारों दिशा से 8 पिक्सल खिसकेगा। खिसक गया। ओके, अब जरा आप ध्यान दो, ये जो कॉन्टेनर मैंने बनाया है पेज के नाम का, इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा है। ओके, सो मैं काम करूँगा इसका विड्थ थोड़ा सा कम कर दूँगा। सो विड्थ है 200, तो मैं विड्थ कर दूँगा 250। अब सही है, हाइट बहुत कम है पेज वाले डब्बे का, तो हाइट भी थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगा, जैसे मैंने 45 पिक्सल कर दिया। परफेक्ट, ये कुछ ऐसा हो गया। अब हमें इस डब्बे के बॉर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस डब्बे के बॉर्डर को रिमूव करके रिफ्रेश कर लूँगा। अब हमें क्या करनी है, एनिमेशन जेनरेट करनी है। तो कैसे होगी एनिमेशन जेनरेट, सबसे पहले
आप ये सोचिए कि किस एलिमेंट में आपको एनिमेशन देनी है। तो आप इन तीनों एलिमेंट को एनिमेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस डब्बे में भी एनिमेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस डब्बे में भी होनी चाहिए और इस वाले डब्बे में भी होनी चाहिए। तो सिंपली जो पहले डॉट की कोडिंग है वो कहाँ है, यहाँ पे लगाऊंगा मैं एनिमेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी, जिसमें पहला प्रॉपर्टी होगा एनिमेशन नेम और इसका नाम रख देता हूँ डॉट वन। अब अगली कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, एनिमेशन ड्यूरेशन। तो सिंपली मैंने एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ किया और इसका ड्यूरेशन ज़रूरत के अनुसार, जैसे कि मैंने 1 सेकेंड रख लिया, मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन ऑटोमेटिक रिपीट होता रहे, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा एनिमेशन हाइफन इटरेशन हाइफन काउंट प्रॉपर्टी का और वैल्यू डिफाइन कर दूँगा इनफाइनाइट। ओके, सो इनफाइनाइट का स्पेलिंग आप कुछ इस प्रकार से राइट करोगे। ओके, जैसे आपने इस एलिमेंट में एनिमेशन प्रॉपर्टी लगाया है, वैसे ही आप दूसरे डब्बे के लिए भी एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज करोगे। बस आप क्या करोगे, दूसरे डब्बे का एनिमेशन नेम कुछ अलग रखोगे। ओके, फिर तीसरे डब्बे में भी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज करके इनके एनिमेशन नेम को आपको चेंज कर देनी है। अब एनिमेशन नेम तीनों डब्बों में अलग अलग है, पहले डब्बे का एनिमेशन नेम है डॉट वन, दूसरे का डॉट टू और तीसरे का डॉट थ्री। अब बड़ा ही आसान है इनके मेथड को कंट्रोल करना। सिंपली एनिमेशन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स रूल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद एनिमेशन नेम का वैल्यू देते हैं। तो पहला जो डब्बा है उसमें एनिमेशन नेम का वैल्यू क्या लगाया गया है, डॉट हाइफन वन। ओके, पहले डब्बे की कोडिंग यहाँ होगी, उसी तरह से दूसरे डब्बे के लिए भी मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। दूसरे डब्बे का एनिमेशन नेम क्या है, डॉट टू, और फिर तीसरे डब्बे का एनिमेशन नेम क्या है, डॉट थ्री। ओके, इन तीनों को कंट्रोल करूँगा कि कितने परसेंटेज पे क्या होगा। तो पहला जो डब्बा है वो 1 सेकेंड के 0% पे अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा रेड में। ओके, उसी तरह से जो दूसरा डब्बा है वो 33.33% पे अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा ग्रीन। ओके, और जो तीसरा डब्बा है वो 99% पे अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा ब्लू। ओके, सिंपली मैं सेव करके रन करता हूँ, आप ध्यान से देखो कैसे एनिमेट होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देखो। ओके, परफेक्ट, आपने देखा किस तरह से एनिमेशन जनरेट हुआ। एनिमेशन बच्चों को सिखाया नहीं जाता है, एनिमेशन डेवलपर्स की सोच होती है। हर डेवलपर्स अपने थिंकिंग कैपेबिलिटी के अनुसार एनिमेशन को अपने शब्द में ट्रांसलेट करता है और एनिमेशन को जनरेट करता है। ओके, ऐसे ही इसी प्रकार के कई सारे एनिमेशंस गेम को डेवलप करते वक्त, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त या मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करते वक्त यूज किया जाता है। अब इसकी एडवांस क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो एडवांस्ड फीचर्स के अंतर्गत इसका उपयोग कैसे होगा। कॉमन सी बात है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूजर डाउनलोड पर क्लिक करे, जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का प्रोसेस गूगल क्रोम की तरफ दिखाया जाता है वो नहीं दिखे, यूजर के सामने सिर्फ इस तरह से प्रोसेस हो और तब तक ये प्रोसेस होता रहे जब तक यूजर की फाइल डाउनलोड ना हो जाए। जैसे ही डाउनलोड हो, ऑटोमेटिक यूजर के सामने उसका फाइल ओपन हो जाए और ये मैसेज आ जाए कि आपका फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो ऐसा करना कोई कॉमन बात नहीं है, ऐसा करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस के कंस्ट्रक्शन मेथड को आपको समझना होगा जो YouTube पे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर बार बार ये कहता हूँ कि आप अगर एडवांस्ड क्वालिटी के डेवलपर बनना चाहते हैं, फुलफिल्ड डेवलपर बनना चाहते हैं ताकि आप IT इंडस्ट्री में काम कर सके, तो इसके लिए आप मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज्वाइन करें। ये कोर्स ऑनलाइन होती है और बड़ा ही किफ़ायती है, इसमें डेली 1 घंटे का वीडियो मिलता है ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत होती है और आप प्रोग्रामिंग के मेथड के अनुसार अलग अलग प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस को सीख पाते हैं।
सो काइंडली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके ज़रूर देखें कि आपको इंजीनियरिंग के कोर्स में किस किस प्रकार का लैंग्वेज और कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा। ओके, सो वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो कॉमेंट बॉक्स में राइट करें। ओके, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले और काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब टू वेब इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस।